सेलिब्रेशन टीवी इवेंट्स ऑफ अ लाइफ। 19 मई 1977 से पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे यातायात के एसीपी शिवराज सिंह का विदाई समारोह यातायात विभाग में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक, सीओ ट्रैफिक, टीआई, टीएसआई और सिपाहियों ने उन्हें माला पहनाकर उनका सम्मान कर उन्हें बधाई दी। शिवराज सिंह ने सेलिब्रेशन टीवी को अपने कार्यकाल के पूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि 21 साल उन्होंने पीएसी में सेवा देकर जिला पुलिस में वह शामिल हुए। मैं एक अपने परिवार को छोड़ के इस पुलिस परिवार में 19 मई 1977 को शामिल हुआ पीएसी की 31 बटालियन में, और वहाँ 21 साल नौकरी पीएसी की करने के पश्चात जिला पुलिस में रामपुर आया। रामपुर मैंने 5 साल नौकरी की, वहीं पर मैंने प्रमोशन भी पाया और वहां से फिर 2003 में इस आगरा में यातायात पुलिस में मेरी पोस्टिंग हुई और मेरी बहुत ही अच्छी तरह से यहां समय गुजरा। कभी किसी मेरे साथी से मनमुटाव भी मेरा नहीं रहा, प्यार के साथ मेरा समय बीता और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और 40 वर्ष 10 माह 12 दिन सेवा करके अब मैं फिर पुनः वापस अपने परिवार में जा रहा हूँ। वहीं इन्होंने बताया कि 40 साल के कार्यकाल में यातायात में कोई भी बदलाव नहीं देखे। उन्होंने कहा कि समय को देखते हुए रोड चौड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन यातायात का भार ज्यादा रहा, रोड वहीं की वहीं रही। उन्होंने मांग की आगरा शहर में रोड चौड़ीकरण और एलिवेटेड रोड होना अनिवार्य है ताकि आगरा की जनता को वाहन चलाने में सहूलियत रहे। आगरा की जनता, अब जनता का भी कोई कसूर नहीं है क्योंकि समय को देखते हुए रोड छोटे हैं, आबादी अधिक है, आबादी के अनुसार ट्रैफिक भी अधिक हो रहा है, और लेकिन रोड वही के वही हैं, इसलिए हमारे आगरा की पब्लिक परेशान रहती है और सारी परेशानियों का सामना करते हुए फिर वो जबरदस्ती ही निकलना शुरू कर देते हैं। क्या सोचते हैं कि मतलब क्या होना चाहिए? अब इसमें आगरा के अंदर सबसे पहले एक हर चौराहे पर इतना जगह तो हो जाए कि कहीं पब्लिक जो आ रही है वो खड़ी तो हो जाए। खड़ा होने के ही लिए जगह नहीं होती है उनको, तो फिर लंबी कतारें लग जाती हैं। अब जिसके अब इसमें आदमी ये सोचता है कि मुझे नहीं निकाल रहे हैं ट्रैफिक वाले, दूसरी लाइन को निकाल रहे हैं, जबकि वो अभी आके खड़ा हुआ है और वो तुरंत 10 सेकंड बाद वहाँ भीड़ लग जाती है, तो वो सोच रहा है कि ये सबको चला रहे हैं, मुझे ही नहीं चला रहे हैं, क्योंकि उसको 10 सेकंड खड़े हुए हो गए। ये नहीं वो सोच रहा है कि दूसरे को एक मिनट हो गया खड़े हुए। एलिवेटेड रोड बने और लाइट का सिस्टम हो सही, और जो ये हम चालान करते थे वो चालान की व्यवस्था जो ऑटोमेटिक हो जाए तो कुछ पब्लिक पर कंट्रोल बनेगा। इस अवसर पर टीएसआई राजनारायण उत्तम ने उनकी 60 साल की सेवा कार्य पर उन्हें शुभकामनाएं दी। 40 साल की सेवा के उपरांत आज हमारे बीच से एक जवान के रूप में विदा हो रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने अपने 60 साल अधिवर्षता आयु पूरी होने पर रिटायरमेंट प्राप्त किया, और मैं इनके आगे के जीवन के लिए उज्जवल कामना करता हूं कि इनका आगे का जीवन और इनका परिवार इनका पूरा सहयोग करे और जो दायित्व ये अब तक पूरा नहीं कर पाए, वंचित रहे अपने परिवार अपने रिश्तेदारों के बीच में, उन्हें पूरा समय दें, उन्हें प्यार दें और वो कमी जो रही उसे अब पूरा करें। सेवानिवृत्त हुए शौरा सिंह का विदाई के लिए टीआई उमेश भट्ट और यातायात के सभी जवानों ने सरकारी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को धक्का देकर उन्हें विदाई दी, साथ ही उनकी दीर्घायु की शुभकामनाएं दी।
सेलिब्रेशन टीवी इवेंट्स ऑफ अ लाइफ।